फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वर्ड गेट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है आना जाना पाना, होना प्राप्त करना कमाना, सीखना जानना दिलाना, पकड़ना और समझना। यानी इन सभी वर्ड्स के लिए आप वर्ड गेट का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। गेट का पहला मीनिंग होता है समझना। जैसे अगर आपको कहना हो कि क्या तुम समझ रहे हो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आर यू गेटिंग। अगर आपको कहना हो कि मैं समझ गया, तो आप कहेंगे आई गॉट या आई गॉट इट, यानी मैं इसे समझ गया। मैं नहीं समझता हूँ जो तुम बोलते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट गेट व्हाट यू से, यानी जो तुम कहते हो मैं नहीं समझता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि गेट का एक मीनिंग होता है समझना। गेट का दूसरा मीनिंग होता है पाना। जैसे आई गॉट अ पेन, मैंने एक कलम पाया। आई गॉट अ गिफ्ट, मैं एक गिफ्ट पाया। आई हैव गॉट अ बुक, मैंने एक किताब पाया है। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि गेट का दूसरा मीनिंग होता है पाना। गेट का तीसरा मीनिंग होता है प्राप्त करना, यानी रिसीव। अगर आपको कहना हो कि नॉलेज कॉलेज में मिलती है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नॉलेज इज गॉट एट कॉलेज, यानी नॉलेज कॉलेज में मिलती है या कॉलेज में प्राप्त की जाती है। अगर आपको कहना हो कि नॉलेज क्लब में नहीं मिलती, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नॉलेज इज नॉट गॉट एट क्लब, यानी क्लब में नॉलेज या ज्ञान नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि गेट का तीसरा मीनिंग होता है रिसीव, यानी प्राप्त करना। गेट का चौथा मीनिंग होता है होना, यानी किसी खास दशा में होना या हाल में होना। जैसे वह थक गया, He got tired। यहाँ पर वर्ड होने के लिए मैंने बोला got, जो कि एक स्पेसिफाइड कंडीशन को बता रहा है। वह अंधा हो गया, He got blind। वह मोटा हो गया, He got fat। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझा कि गेट का एक मीनिंग होना होता है, जिसे हम किसी स्पेसिफाइड कंडीशन की बात करते हैं। गेट का एक मीनिंग आना या जाना भी होता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं एयरपोर्ट आया या मैं एयरपोर्ट गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई गॉट टू द एयरपोर्ट, यानी मैं एयरपोर्ट आया या मैं एयरपोर्ट गया। अगर आपको कहना हो कि मैं रेलवे स्टेशन गया या मैं रेलवे स्टेशन आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट टू द रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि गेट का एक मीनिंग आना या जाना भी होता है। आइए गेट के कुछ और मीनिंग जानते हैं। गेट का एक मीनिंग होता है कमाना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं वहाँ बहुत पैसा कमाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट लॉट ऑफ मनी देयर, यानी मैं वहाँ बहुत पैसा कमाया। अगर आपको कहना हो कि मैं उस नौकरी में बहुत पैसा कमाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट लॉट ऑफ मनी इन दैट सर्विस, यानी मैं उस नौकरी में बहुत पैसा कमाया। गेट का एक मीनिंग होता है जानना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं इसे जानता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई गेट इट। अगर आपको कहना हो कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई डोंट गेट इट। क्या आप इसे जानते हैं, डू यू गेट इट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि गेट का एक मीनिंग होता है जानना, यानी वर्ड नो के जगह पर आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट का एक मीनिंग होता है सीखना या याद करना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं रोज वर्ड्स याद करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गेट वोकैबुलरी एवरी डे, यानी हर रोज मैं वोकैबुलरी याद करता हूँ या वोकैबुलरी सीखता हूँ। आइए गेट का लास्ट मीनिंग समझते हैं। गेट का एक मीनिंग उकसाना या भड़काना भी होता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि उसने मुझे यह करने के लिए उकसाया या भड़काया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही गॉट मी टू डू दिस, यानी ऐसा करने के लिए उसने मुझे उकसाया या भड़काया। अगर आपको कहना हो कि ऐसा करने के लिए वे मुझे उकसाए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे गॉट मी टू डू दिस, यानी ऐसा करने के लिए वे लोग मुझे भड़काए या उकसाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा कि गेट के ये सभी मीनिंग होते हैं, और अगर आप इसे अच्छा से सीख लें, तो इन सभी वर्ड्स के लिए आप वर्ड गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने गेट वाला कंसेप्ट समझा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।